Hello student, I am your EVS teacher Chandni Singh and this is your EVS chapter 5 Anita and Honeybees. About Anita sister. The first is about story. This is story is Anita Kuswara. Her journey, how to see go to school and how to start BEP. मतलब उसके एजुकेशन के बारे में और कैसे वो BEP और से होल से लगा हनी होल से लगा ये पूरी स्टोरी उसी पे बेस्ड है. तो अनिता कुशवाहा जो है वो बोचहा विलेज में रहती है जो कि बिहार के मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में है. ठीक है, वो अपने माता पिता और अपने दो छोटे भाइयों के साथ रहती है. उसके माता पिता गर्ल्स एजुकेशन को अच्छा नहीं मानते हैं. दे डोंट लाइक टू राइट अ दे डोंट लाइक सेंड डॉटर टू स्कूल फॉर स्टडी. उनका मानना है कि लड़कियों को पढ़ना लिखना अच्छा नहीं होता है, इसलिए वो लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते हैं. बट अनिता वांट टू गो स्कूल. वो बहुत गली उसके अंदर से बहुत ही इच्छा थी, आत्मशक्ति इच्छा थी कि वो स्कूल जाए और पढ़े. इसलिए वो अपने गांव के स्कूल में जाके फिर ना विलेज स्कूल गाँव के स्कूल में जाके छापती है और देखती है कि वहाँ बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है. बट वो अपने आप को रोक नहीं पाती है और जाके बच्चों के बीच में बैठ जाती है. पर उतना कुछ देखने और पढ़ने के बाद वो आती है अपने पेरेंट्स से कहती है कि उसे प्लीज़ स्कूल जाने दें. बट उनके पेरेंट्स एग्री होते हैं. बट उनके गांव के स्कूल के एक टीचर ने उनके पेरेंट्स को एग्री किया कि क्लास बच्चों का पढ़ना बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन एक्ट के अंदर आता है और आपको अपनी बच्ची की पढ़ाई के लिए क्लास एक्ट तक कुछ भी पे नहीं करना होगा, इसका सारा खर्चा गवर्नमेंट देगी. ठीक है, इसके बाद अनिता ने अपना पढ़ाई शुरू किया, उसके पेरेंट्स एग्री हुए और उसने पढ़ाई शुरू पढ़ने के बाद जब उसे ऐसी ज़रूरत महसूस हुई तो उसने बच्चों को छोटे बच्चों को यंगर स्टूडेंट यंगर स्टूडेंट ऑफ देयर विलेज अपने विलेज के छोटे बच्चों को पढ़ाने में उससे जो पैसे आए उससे अपनी एजुकेशन मिला था. अभी जब उसके स्कूल ख़त्म हो गया तो कॉलेज जाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसने इसके लिए भी एक बिजनेस एक काम शुरू करने की कोशिश की. इसके लिए उसने बीकीपिंग का एक कोर्स किया और बीकीपिंग के कोर्स में उसने बीकीपिंग किया और बहुत चला गया. दिस इज द स्टोरी ऑफ गर्ल्स स्टार अनिता कुशवाहा. नाउ द एजुकेशन एक्ट आरटीई एक्ट 2009. Right to Education Act 2009. इस एक्ट ये एक्ट गवर्नमेंट के थ्रू 2009 में पारित किया गया था और इसमें सर्व शिक्षा अभियान के थ्रू ये एक्ट आया था. इसमें राइट टू एजुकेशन ये शिक्षा का बच्चों को शिक्षा का अधिकार है जो कि इनकी एज 6 से 14 साल है. यानी कि एवरी स्टूडेंट हु हैज एज 6 to 12 14 ईयर्स हैव राइट टू गो टू स्कूल and get free and compulsory education. This is the government rule passed for the 6 to 14 years age student. Now next, BEP. ये education act जो है इसी के तहत बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और पेरेंट्स को भी बताया जाता है कि उनको अपने बच्चों को 6 से 14 साल की एज के बच्चों को जो कि नर्सरी से क्लास एट तक जा रहा है उनको शिक्षा के लिए उन्हें कोई भी तरह की फीस पे नहीं करनी होगी. उन्हें मुफ्त शिक्षा दी जाएगी सरकार की तरफ से. उन्हें मुफ्त में बुक्स कॉपीज वगैरह सब दी जाएंगी. आगे हमारा आता है अनिता ने बीकीपिंग किया. बीकीपिंग के लिए उसके गांव में गवर्नमेंट के थ्रू कोर्स कराया जा रहा था जिसमें उसने एडमिशन लिया और उसे कोर्स किया. उस कोर्स में उसने ये ऑब्जर्व किया कि जो हनी बीज हैं वो लीची के ट्री पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं और वो उसके फ्लावर्स पे वो मंडराती रहती हैं. ये उसने ऑब्जर्व किया और उसने ये देखा कि हनी बीज जो होती हैं वो अपने एग्स अक्टूबर से दिसंबर के मंथ में देती हैं. जो अपने एग्स को बी हाइव में अक्टूबर से नवंबर 10 दिसंबर के मंथ में देती. और एक चीज़ उसने नोटिस की और ऑब्जर्व किया कि लीची के जो ट्री उस पर फ्लावर्स जो होते हैं वो फरवरी के महीने में आते हैं. और इन चीज़ों को उसने कैसे यूटिलाइज किया, जब वो
उसका कोर्स कंप्लीट हो गया है, जब उसने बी कीपिंग का कोर्स कंप्लीट किया, देन शी कंप्लीटेड देयर बी कीपिंग कोर्स, देन शी डोंट हैव मनी टू स्टार्ट दिस वर्क, सो सी ट्यूट यंगर स्टूडेंट एंड सून सी हैव शी गेट 5000 रुपीस एंड फ्रॉम दिस 5000 रुपीस सी स्टार्टेड देयर वर्क बी कीपिंग. इसमें बॉक्सेस की जरूरत होती है जिसमें बी हाइव्स की तरह बॉक्स होती है, जिसमें बी बीज को पाला जाता है, बीज को रखा जाता है, कि बीज सी ब्रॉट टू बॉक्सेस, ईच बॉक्स है 2000, ये प्राइस है 2000, ये एक बॉक्स की कीमत जो है वो 2000 रुपए थी. उसने दो बॉक्स खरीदे और बच्चों के पैसों से शुगर खरीदा बीज के लिए शेयर बनाने के लिए, और उसने अपना वर्क स्टार्ट किया. धीरे धीरे उसने अपना वर्क बढ़ाया. इस उसने ये भी देखा कि जो हनी बीज हैं वो कैसे बी हाइव में एरिंग का काम करती हैं और फ्लावर्स के अराउंड कैसे मंडरा रही हैं. तो देखा जाए तो जब फरवरी में पेड़ पर नीचे के ट्रीज पर फ्लावर्स आ जाते हैं तो उनके नियर उनके पास में वो अपने बॉक्सेस को रखती थी, जिससे कि जो बीज थी उन बॉक्सेस में अपने हाइट्स लगाती थी और उसमें एयरलाइन का काम करती थी और हनीज को नेक्टर हनी कार नेक्टर को हनी में वहाँ रखती थी कन्वर्ट कर. अब एक नाम आ रहा है नेक्टर. नेक्टर क्या होता है आप सभी सोच रहे होंगे, व्हाट इज नेक्टर, नेक्टर क्या है. नेक्टर जो होता है अ स्वीट सबस्टेंस दैट सीक्रेटेड बाय द फ्लावर व्हिच अट्रैक्ट इंसेक्ट टुवर्ड्स इट, यानी कि एक मीठा सा तरल पदार्थ होता है जो फूलों के थ्रू डिस्चार्ज किया जाता है या निक्सिकेट किया जाता है, निकाला जाता है, जो कि हनी बीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देता है और वहाँ पे जब हनी बीज जाती है उनको अट्रैक्ट अट्रैक्शन से वहाँ मंडराने रखती हैं, जिससे कि सारे वर्कर बीज को पता चल जाता है यहाँ हनी है और वहाँ से वो नेक्टर को कलेक्ट करती हूँ और ला के अपनी बी हाइव में रखती हूँ और हनी बी बन पाता है. दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर स्टूडेंट. टिल देन for the next video, next video I'll see you. Thank you.